नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 24 नवंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। ICMR ने साइंटिस्ट डी और ई के लिए मांगे आवेदन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने साइंटिस्ट डी और ई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार main.icmr.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2020 है। 65 पदों पर ये भर्तियां होनी है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर साझा कर दी गई है। ध्यान रहे, उम्मीदवारों को आवेदन करने के दौरान जन्मतिथि का प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण और अनुभव के दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य होगा। नवादा के ककोलत जलप्रपात में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। नवादा जिले से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाले प्राकृतिक पर्यटन स्थल ककोलत जलप्रपात की खूबसूरती को निहारने देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं और मौज मस्ती करते हैं। इसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में फ्रांसिस बुकानन ने 1811 ईसा में इस जलप्रपात को देखा था। अगर आप यहां आने की सोच रहे हैं तो गर्मी के दिनों में ही आए, क्योंकि यहां का पानी हमेशा ठंडा ही रहता है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को यहां 5 दिवसीय सतवानी मेला लगता है, जिसमें लोग भारी संख्या में यहां आते हैं। बिहार में 4,500 अप्रशिक्षित सिपाहियों को अगले साल तक ट्रेन करने की शुरू हुई तैयारी। बिहार में अब अप्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की संख्या में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अब बिहार में 4,500 अप्रशिक्षित सिपाहियों को ट्रेन्ड करने की तैयारी हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी कारणवश यदि किसी पुलिसकर्मी की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई है तो उसे ट्रेन्ड किया जाएगा। प्रशिक्षण निदेशालय इस पर काम कर रहा है, जिसके बाद अब अधूरी ट्रेनिंग को कैसे पूरा कराया जाएगा इसको लेकर जल्द ही रणनीति तय होगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रशिक्षण निदेशालय ने 31 मार्च तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बिहार में कोरोना के मिले 400 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 412 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,31,044 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में 155 मामले सामने आए हैं, वहीं औरंगाबाद में 31 मामले सामने आए हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मजहर इमाम की। आज हम बात करेंगे बिहार के दरभंगा जिले में पैदा हुए मजहर इमाम की। मजहर मूल रूप से एक उर्दू कवि थे। मगध विश्वविद्यालय से उर्दू में एमए की डिग्री और बिहार विश्वविद्यालय से फारसी में एमए की डिग्री प्राप्त करने के बाद वो कारवान में शामिल हो गए। 1951 में एक कोलकाता स्थित दैनिक और उसके बाद 1967 में ऑल इंडिया रेडियो पटना में शामिल हो गए। उन्होंने अपने जीवन समय में कई सारी किताबें लिखी हैं, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी से राजधानी पटना का टूटा 2 साल का रिकॉर्ड। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे में तेज रफ्तार से बह रही उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवा ने कनकनी बढ़ा दी है, जिसके बाद पटना में नवंबर महीने का 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। रविवार को पटना का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले 25 नवंबर साल 2017 को राजधानी का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो सूबे में हवा की रफ्तार 26 किलोमीटर प्रति घंटे रही। पर्वतीय इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सिहरन बढ़ी है। सीबीएसई के छात्रों को थ्योरी और प्रायोगिक परीक्षा में अलग अलग होना होगा पास। सीबीएसई के छात्रों के लिए अहम सूचना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के छात्रों को थ्योरी और प्रायोगिक परीक्षा में अलग अलग पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब थ्योरी परीक्षा में छात्रों को कम से कम 33% अंक लाने होंगे। इसके साथ ही प्रायोगिक परीक्षा में भी पास करने के लिए 33% अंक अनिवार्य कर दिया गया है। ज्ञात हो कि 12वीं में प्रायोगिक विषय में 70 अंक का थ्योरी और 30 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होती है। बिना प्रायोगिक विषय में 80 अंक की थ्योरी और 20 अंक की प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है। बिहार में कोरोना के दूसरी लहर की आशंका बताई गई कम। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। जहां देश के अन्य राज्यों में दूसरी लहर देखी जा रही है, वहीं बिहार में कोरोना की दूसरी लहर की संभावना कम जताई गई है। पर्व त्योहार और चुनाव के बावजूद बिहार में संक्रमण के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। इतना ही नहीं, बिहार में वर्तमान समय में संक्रमितों के जान गंवाने की दर जहां 0.5% दर्ज की गई है, वहीं
स्वस्थ होने वालों की दर 97.12% दर्ज की गई है। देश के अन्य राज्यों में गुजरात के अहमदाबाद और दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर देखी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद और दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था को पुनः दुरुस्त किया गया है। वहीं बिहार में तुलनात्मक रूप से कोरोना का संक्रमण नियंत्रित स्थिति में है। अलग अलग भाषाओं में विधायकों ने ली शपथ। बिहार चुनाव के बाद 17वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन किसी ने हिंदी तो किसी ने उर्दू और किसी नवनिर्वाचित विधायक ने मैथिली में शपथ ली है। रत्नेश सदा, मिथिलेश कुमार, शकील अहमद खान ने संस्कृत में शपथ ली। सुधांशु शेखर, विनोद नारायण झा, अरुण शंकर प्रसाद, हरिभूषण ठाकुर, समीर कुमार, महासेठ नीतीश मिश्रा, चंद्रहास चौपाल, आलोक रंजन, स्वर्णा सिंह, विनय चौधरी, मिश्रीलाल यादव, संजय सारावगी, रामचंद्र शाह और मुरारी मोहन झा ने मैथिली में शपथ लिया। शाहनवाज आलम, मोहम्मद अंजार नईमी, मोहम्मद सऊद आलम, मोहम्मद इजहार असफी, सैयद रुकनुद्दीन अख्तरुल इमान ने उर्दू में शपथ लिया। वहीं चेतन आनंद, सिद्धार्थ और यूसुफ सलाहुद्दीन ने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण किया। भाजपा सांसद विवेक ठाकुर आए कोरोना की चपेट में। भाजपा नेता सीपी ठाकुर के कोरोना की चपेट में आने के बाद अब उनके बेटे और भाजपा सांसद विवेक ठाकुर भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार विवेक ठाकुर ने अपनी तबीयत बिगड़ने और शुरुआती लक्षण आने के बाद कोरोना का टेस्ट करवाया और उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने खुद ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। विवेक ठाकुर ने कहा है कि कोरोना की आज मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो सभी अपनी जांच करवाएं। अशोक चौधरी ने क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष जोर देने की कही बात। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद पदभार ग्रहण करने वाले अशोक चौधरी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। पदभार ग्रहण करते ही शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी एक्शन में दिखे। मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष जोर दिया जाएगा। अगर 3 लाख नियोजित शिक्षक सिर्फ अपने फायदे की बात करेंगे तो यह कैसे चलेगा। शिक्षकों को छात्रों को अच्छी शिक्षा भी देनी पड़ेगी। इसके साथ ही नवनिर्वाचित शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार में 90,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की बात भी कही। शपथ ग्रहण के दौरान अनोखे अंदाज में नजर आए नवनिर्वाचित विधायक। बीते दिन विधानसभा सत्र का पहला दिन था, जहां जीत कर आए विधायकों के चेहरे पर जीत की खुशी थी, तो वहीं दूसरी तरफ कई विधायकों का अनोखा अंदाज भी दिखा, जिसके तहत एमएलसी देवेश ठाकुर और संजय झा ई कार में पहुंचे तो उनके चारों ओर उन्हें और कार को देखने वालों की भीड़ लग गई। देवेश ने बताया कि उन्होंने यह ई कार सीएम के जल जीवन हरियाली योजना से प्रेरित होकर दी है। बेनीपुर से जीते अरुण चौधरी ने गुलाबी पाग पहना हुआ था। मिथिलांचल के विधायकों ने मिथिला पेंटिंग्स वाला चादर ओढ़ रखा था। महिला विधायक कविता सिंह ने मिथिला पेंटिंग्स की पार वाली साड़ी लपेट रखी थी। तेजस्वी यादव ने 1 महीने के अंदर रोजगार नहीं देने पर सड़क पर उतरने का किया ऐलान। बिहार विधानसभा के पहले दिन का सत्र समाप्त हो गया है, जिसके बाद नीतीश कुमार पर तेजस्वी ने जमकर निशाना साधा है, जिसके तहत तेजस्वी ने कहा कि अगर 1 महीने के अंदर 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला तो हम सड़कों तक जन आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार भीष्म पितामह है। 15 साल में 60 बड़े घोटाले हुए हैं। भ्रष्टाचारियों का बचाव करना नीतीश कुमार की फितरत है। AIMIM नेता के शपथ ग्रहण के दौरान हिंदुस्तान नहीं बोलने पर शुरू हुई राजनीति। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM विधायक के हिंदुस्तान ना बोलने से राजनीति शुरू हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन विधानसभा के पहले सत्र के दौरान AIMIM विधायक अख्तरुल इमान भारत बोलने पर अड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान बोलने पर आपत्ति थी, जिसके बाद सदन में खूब हंगामा हुआ, जिस पर भाजपा विधायक ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जिन्हें हिंदुस्तान नहीं बोलना है वे पाकिस्तान चले जाए। जदयू ने भी AIMIM के विधायक के व्यवहार पर आपत्ति जताई है। जदयू नेता मदन सहनी ने कहा है कि वो भारत बोलने पर अड़े हुए थे, जबकि उनके भाषण में भारत की जगह हिंदुस्तान लिखा था। महागठबंधन के हारे हुए उम्मीदवार पहुंचे हाई कोर्ट। महागठबंधन के और राजद के हारे हुए उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट का रुख करने का फैसला लिया है, जिसके तहत मामूली अंतर से हारने वाले लगभग 2 दर्जन प्रत्याशियों ने अब कोर्ट का रुख किया है, जिसमें हिलसा विधानसभा सीट से 12 वोटों से मामूली अंतर से हारने वाले राजद प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव भी है, जिसके परिणाम स्वरूप महागठबंधन के तकरीबन 21 प्रत्याशियों ने कोर्ट का रुख करने का फैसला लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सभी विधायक तेजस्वी यादव के निर्देश पर ही सरकार को घेरने की तैयारी में है, क्योंकि ये ऐसे प्रत्याशी है जो वोटों की गिनती से असंतुष्ट है।
राजनीति के लिए श्रेयसी सिंह ने शूटिंग नहीं छोड़ने की कही बात। पहली बार चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंची अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह ने आज विधानसभा में विधायकी की शपथ ली है। जमुई से भाजपा के टिकट पर विधायक बनी श्रेयसी सिंह ने बीते दिन विधानसभा शपथ लेने सदन पहुंची थी, जहां पर उनसे कई लोगों ने पूछा कि क्या राजनीति में घुसने के बाद श्रेयसी सिंह शूटिंग छोड़ देंगी। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो भले ही राजनीति में आ गई हैं, लेकिन जिस शूटिंग ने उनको पहचान दिलवाई है वो उसको छोड़ने वाली नहीं है। सरकारी स्तर पर धान की खरीदारी नहीं होने से औने पौने दाम में बेचने पर मजबूर है किसान। विभिन्न पंचायतों के किसान परेशान नजर आ रहे हैं। तैयार फसल खेतों में अतिवृष्टि के कारण जलजमाव से किसानों ने किसी तरह कटाई कर उसे घर ले आए हैं, मगर पैक्स द्वारा उसकी खरीदारी नहीं की गई है। खुले बाजार में बिचौलिए द्वारा उसकी खरीदारी 1100 रुपए से 1125 रुपए प्रति क्विंटल की जा रही है। सरकार द्वारा धान का न्यूनतम मूल्य 1868 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। लाचार होकर कम कीमत पर बिचौलियों के हाथ बेचने को मजबूर है, जिसके बाद किसानों ने अविलंब धान खरीद करने की कारगर व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। सीबीएसई की परीक्षा में पहले स्किल उसके बाद ही मुख्य विषयों की ली जाएगी परीक्षा। साल 2021 में सीबीएसई की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। परीक्षा की तैयारियों के बीच सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं में पहले उन विषयों की परीक्षा लेने का फैसला लिया है जिसमें छात्रों की संख्या कम है, जिसके बाद बोर्ड अब परीक्षा के शेड्यूल में पहले स्किल विषयों को शामिल करेगी। इसके बाद मुख्य विषयों की परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए बोर्ड ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं मिलाकर 100 से अधिक स्किल विषय हैं। इन विषयों में चूंकि छात्रों की संख्या कम होती है, इसलिए इसकी परीक्षा पहले ली जाएगी। नए साल में एटीएम की तरह बांटे जाएंगे स्मार्ट राशन कार्ड। नए साल में कई तरह के नियमों में बदलाव किए जाते हैं और इस बार भी नए बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। पहला बदलाव राशन कार्ड के तहत नजर आने वाला है। बता दें कि 5.50 लाख लोगों को एटीएम की तरह स्मार्ट राशन कार्ड बांटे जाएंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जिले के कार्ड धारकों को इसका पूरा फायदा देश के हर कोने में मिलने वाला है, जिसके बाद अब देश के किसी भी हिस्से में अनाज आसानी से ले सकेंगे। यानी कि अब जगह बदलने के बाद भी आपके राशन कार्ड की मान्यता बनी रहेगी। इस कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा प्रवासियों को होगा। रवि शास्त्री को है अपनी टीम पर पूरा भरोसा। आईपीएल के बाद अब भारतीय टीम पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए तैयार है। वहीं इन सब के बीच भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री का बयान आया है, साथ ही उन्होंने टीम इंडिया पर भरोसा भी जताया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हमारे पास फैब फाइव जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और नवदीप सैनी है। यादव के पास अनुभव है, सैनी युवा तेज गेंदबाज है, बुमराह तेज गेंदबाजी में बेस्ट है, शमी भी जबरदस्त है और सिराज भी अहम साबित हो सकते हैं। आप स्कोरबोर्ड पर रन बनाइए और फिर देखिए ये तेज गेंदबाज कैसे विरोधी टीम को परेशान करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर हरा सकते हैं। भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया को मिली जमानत। इंडियन टेलीविजन की मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को जमानत मिल गई है। मिली जानकारी के अनुसार मुंबई के कोर्ट से जमानत मिल गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एनसीबी ने गांजा लेने के आरोप में भारती को शनिवार को और हर्ष को रविवार को हिरासत में लिया था। रविवार को ही दोनों को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश देते हुए कहा था कि जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को हो जाएगी, जिसके बाद उन्हें बीते दिन जमानत दे दी गई है। भारत में वापस आ रहे पबजी को मिला बेहतरीन रिस्पांस। युवाओं के बीच काफी पॉपुलर रहा पबजी मोबाइल गेम भारत में फिर वापसी करने जा रहा है। इस खबर की चर्चा पिछले काफी दिनों से हो रही है और खुद कंपनी भी इस बात को कंफर्म कर चुकी है कि जल्द ही भारतीय यूजर के लिए पबजी लौटने वाला है, जिसके तहत पबजी मोबाइल डेवलपर्स ने घोषणा की थी कि भारतीय प्लेयर्स के लिए पबजी मोबाइल इंडिया नाम से नया गेम लाया जा रहा है। इतना ही नहीं, गेम के 3 टीजर भी जारी किए जा चुके हैं। वहीं टीजर के जारी होते ही भारत में बेहतरीन रिस्पांस देखने को मिल रहा है। पबजी मोबाइल इंडिया गेम को 2 लाख से ज्यादा प्री रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 23 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,950 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,950 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। जयनगर से भागलपुर के बीच नई ट्रेन चलाने की शुरू हुई तैयारी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जयनगर से भागलपुर के बीच नई ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगर रेलवे की तरफ से इस ट्रेन के परिचालन को हरी झंडी मिल जाती है तो मिथिला और अंग के बीच सालों से ट्रेन के परिचालन का रास्ता साफ हो जाएगा।
जिसके तहत ट्रेन संख्या 03311 मुजफ्फरपुर रक्सौल मेमू सवारी ट्रेन, 03312 रक्सौल मुजफ्फरपुर सवारी ट्रेन, 03350 समस्तीपुर से सहरसा मेमू सवारी गाड़ी, 03349 सहरसा समस्तीपुर सवारी ट्रेन समेत अन्य ट्रेनों के परिचालन का रास्ता साफ हो जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है। 1871 में राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन का आयोजन किया गया था। 1926 में प्रख्यात दार्शनिक श्री अरविंदो को पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। 1944 में मशहूर भारतीय फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्देशक अमोल पालेकर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन गुरु तेग बहादुर का शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1899 में भारत के मशहूर राजनीतिज्ञ हीरा लाल शास्त्री का जन्म हुआ था। 1961 में भारत की महिला लेखिका अरुंधति रॉय का जन्म आज ही के दिन हुआ था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जितेंद्र कुमार, आर्य, रंजीत कुमार, विनोद कुमार, गंगापाल, व्रज किशोर कुमार, संतोष कुमार, अमित कुमार, शंकर यादव, विकी कुमार, पीयूष सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार नई सरकार गठन के बाद बिहार की उन्नति के लिए नवगठित सरकार को किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।